आईक्यू की तरफ से लॉन्च होने वाला है आईक्यू की न्यू स्मार्टफोन, जो कि एक न्यू सीरीज में आपको देखने को मिलेगा, जो कि आईक्यू G6 सीरीज। इस सीरीज में स्मार्टफोन का नाम बेसिकली होने वाला है आईक्यू G6 Pro। तो इसके बारे में कुछ लीक्स वगैरह आया है एंड कुछ ऑनलाइन पे मतलब कुछ लीक्स हुआ है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं आईक्यू G6 Pro में, ये बोला जा रहा है कि इसमें आपको जो स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा आईक्यू G5 से बेटर। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। तो आइए अब दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना अगर आपको आईक्यू G6 Pro के बारे में पूरी डिटेल में जानना है। दोस्तों मेरा नाम विकी और आप देख रहे हैं मोबाइल चेकपॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर बात करें आईक्यू G6 Pro के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर जो आईक्यू G5 था उसका जैसा सिमिलर डिज़ाइन के साथ इस बार ये स्मार्टफोन इंडिया में आने वाला है। तो स्पेसिफिकेशन के बारे में डायरेक्ट बात करते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 6.67 इंचेस की 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले, बट इस बार आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। जो आईक्यू G5 आया था यहाँ पर आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिल रहा था, बट यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। ये एक बहुत ही अच्छा एडवांटेजेस भी आप बोल के साथ साथ ये स्मार्टफोन 8GB प्लस 128GB वाले स्टार्टिंग वेरियंट के साथ आने वाला है। यहाँ पर आपको कोई भी मेमोरी कार्ड की सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। एंड अगर रैम एंड रोम टाइप की बात करें तो यहाँ पर आपको UFS 3.1 एंड LPDDR5 की यहाँ पर आपको रैम टाइप देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें स्मार्टफोन की प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको बहुत ही मतलब लेटेस्ट प्रोसेसर नहीं बल्कि एक पुराना प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि स्नैपड्रैगन की तरफ से आता है, स्नैपड्रैगन 778G। ये बेसिकली ये प्रोसेसर पुराना नहीं है, बट इस प्रोसेसर के साथ आप अच्छा खासा गेमिंग कर पाएंगे एंड ये एक बेस्ट प्रोसेसर भी आप बोल सकते हो इसको, क्योंकि एक पावरफुल प्रोसेसर है। तो गेमिंग वगैरह के लिए ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको परफॉर्म करने वाला है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है बहुत ही अच्छे क्वालिटी की यहाँ पर आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा आईक्यू G6 Pro में। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 12 देखने को मिलेगा, जो कि आईक्यू की अपनी UI पे बेस्ट है, जो कि फॉन्टेज UI यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आईक्यू G6 Pro में। उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की कैमरा सेंसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा बैक साइड में, एंड फ्रंट साइड में आपको पंचल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा देखने, आपको EIS का सपोर्ट देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो हो सकता है या फिर डेप्थ भी हो सकता है। बेसिकली यहाँ पर आपको 3 कैमरा देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आपको फोटोग्राफी जबरदस्त देखने को मिलेगा 64 मेगापिक्सल की कैमरा में। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करें सेल्फी कैमरे के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखे, मुझे थोड़ा बुरा लगा क्योंकि 16 मेगापिक्सल का कैमरा सारे स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाते हैं लाइक सेल्फी, इसको थोड़ा और डेवलपमेंट करना चाहिए। बेसिकली ये लीक से हो सकता है इसको और ज़्यादा भी करा जा सकता है। साथ साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की कुछ अदर फीचर के बारे में, तो यहाँ पर आपको 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर की सपोर्ट देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर की अगर बात करें, मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो डिस्प्ले है सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से इन डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है आईक्यू G6 Pro में। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग के बारे में, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बड़ा बैटरी देखने को मिलेगा एंड उसके साथ साथ 44 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपको जो स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है आईक्यू G6 Pro में, जबरदस्त स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। प्राइसिंग एंड इंडिया लॉन्च डेट के बारे में अगर बात करें, तो ये स्मार्टफोन इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है होपफुली, बट एग्जैक्ट लॉन्च डेट के बारे में पता नहीं। मई एंड तक आपको ये स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल सकता है। एंड प्राइसिंग के बारे में अगर बात करें, तो 25,000 के आसपास ये स्मार्टफोन इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड साथ साथ अपने साथ शेयर करें।